एलिप्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाय सेवन इज इक्वल टू वन. दिस इज द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स. ठीक है, दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस. सो द मेजर एक्सिस द वैल्यू इज 3, माइनर एक्सिस द वैल्यू इज 2. एंड वी हैव अ लाइन व्हिच इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 5. तो एलिप्स का फॉर्म कैसा है, अगर आपको ये सब भी नहीं पता है कि एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, तो भी कोई टेंशन का बात नहीं है. इफ यू नो बेसिकली हाउ एन एलिप्स लुक्स, दैट्स ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट. ऐसा दिखता है एलिप्स, राइट? ये मेजर एक्सिस है. The length of the major axis is a b for information. अगर इसका सेंटर है 0 0 पे, जो है ये पॉइंट इज बेसिकली 3 0, ये पॉइंट है -3 0, ये पॉइंट है 0 -0 √7, ये पॉइंट है 0 -2 7. mx plus 5, y is equal to mx plus 5. तो y intercept है 5. एंड जो लाइन आपका ड्रॉ होगा वो लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, एक साइड में ऐसे जाएगा, दूसरा साइड में ऐसे जाएगा. आर ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो? ठीक है, ये इस लाइन का इक्वेशन है y = mx + 5. इससे m आएगा कुछ नेगेटिव वैल्यू. ये इक्वेशन है y = mx + 5, यहां पर m आएगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव इज नॉट नेगेटिव. तो the slope of this has to be the slope of the ellipse at that point. The slope of the ellipse को निकालते हैं. 7 into 2x plus 18 y dy dx is equal to 0. ठीक है? Okay. तो dy dx का वैल्यू क्या निकलता है? dy dx का वैल्यू निकलेगा -7x/9y.
to 9y square plus 7x square is equal to 45 और क्या है 7x square plus 9y square is equal to y का वैल्यू 63/45 ना हाँ ये क्या निकलता है y का वैल्यू आया 7/5 x का क्या वैल्यू आएगा 7/5 इसमें डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9/5 फिर आपको m का वैल्यू निकालना है स्लोप वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं स्लोप वाले इक्वेशन है बेसिकली ये ना चलिए प्लस माइनस होगा बिकॉज़ आई टू एक्स एंड वाई एज पॉजिटिव दोनों को पॉजिटिव ले लिया ना मैंने एक्स को भी ले लिया पॉजिटिव तो वाई को भी ले लिया पॉजिटिव यहां पर तो आएगा -2 बट ये भी हो सकता है ना पॉइंट 7/5 एंड -9/5 मैंने ड्रॉ किया था ये तो आ रहा था और नेगेटिव एन वाला ये आ रहा था पॉजिटिव एन वाला नेगेटिव एन वाला आएगा -2 पॉजिटिव एन वाला आएगा